मैं हूं प्रगति सेन और आप देख रहे हैं खबर हटा की। रामकथा के आयोजन हेतु बैठक संपन्न, कलश यात्रा को भव्य बनाने कार्य योजना बनाई। हटा आगामी 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाली रामकथा के आयोजन हेतु एक बैठक का आयोजन बड़ा बाजार स्थित राम मंदिर प्रांगण में दोपहर 3 बजे से किया गया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु मुरलिया वाले भगवान बापू ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक का शुभारंभ किया। इसके श्री बापू के मुख से राम कथा के आयोजन को भव्य रूप से बनाने तैयारियों के बारे में आयोजन कमेटी ने जानकारी दी एवं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। बैठक में 5 दिसंबर आरंभ दिवस को भव्य कलश यात्रा राय चौराहा से आरंभ की जाएगी, जो चंडी जी मंदिर कथा स्थल पर सम्पन्न होगी। कलश यात्रा में आकर्षक परिधान में छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। कलश यात्रा में नगर के प्रसिद्ध मंदिरों के महंत रथ पर विराजमान होकर शामिल होंगे। भगवान राम एवं गौ माता की मूर्तियों की आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी। कलश यात्रा के जगह जगह स्वागत की रूपरेखा भी तय की गई। रामकथा व्यास श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान बापू के नगर आगमन पर उनका स्वागत दमोह नाकी पर भव्य रूप में किया जाएगा। उन्हें शोभा यात्रा के रूप में चंडी जी मंदिर भी लाया जाएगा। समूचे आयोजन में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से तन मन धन से सहयोग की अपील की गई। बैठक में महाकाल सत्संग समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त CMO जवाहर राय ने संपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी इमरत लाल राय, गोपी तंतवाय, मोहन मिश्रा, पवन ठाकुर, सुनील राय, लल्ला ताम्रकार, राजेश पटेरिया, सुनील राय, किशोर ताम्रकार, बबलू राय सहित भक्तगण की उपस्थिति रही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। ये राम कथा का आयोजन है 5 दिसंबर से 13 दिसंबर के लिए, तो उसी तारतम्य में आज नगर के गणमान्य नागरों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उत्साह वर्धक उपस्थिति प्राप्त हुई है और हमारी समिति ने लगभग सभी लोगों से निवेदन किया है कि कलश यात्रा और शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। भगवान बापू का आज वीडियो कॉल भी आने वाला था, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है इसलिए उन्होंने 4:30 बजे का समय निर्धारित किया था। अब वो अपने उद्बोधन में आप लोगों से भी, जनता जो उपस्थित है उससे भी कुछ कहेंगे, तो आपके माध्यम से हम हटा की जनता से यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह धार्मिक कार्य सार्वजनिक कार्य है, अतः इसमें सभी लोग तन मन धन से समर्पित होकर के भागीदारी करें, ताकि हटा जो मिनी काशी के रूप में विख्यात है उसका सही रूप में परिचय मिल सके। हालांकि इस प्रकार के कार्यक्रम हटा में जब भी आयोजित हुए हैं यह कार्यक्रम 100% सफल रहे हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी इस कार्यक्रम की सफलता की आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।